वेलकम बैक एक और विला के अंदर। तो आज सारा दिन सोया रहा मैं, अब सोने के बाद आपका भाई नहाने जा रहा है। देख सकते हैं कंडीशन मेरे कमरे की, ये कंडीशन, ये बोर्ड है मेरा, देख सकते हैं गाइस, मतलब कि सिंपल सा कमरा है हमारा। तो अब मैं नहाने जा रहा हूँ, अब शैम्पू और पानी वाला डब्बा उठाते हैं, चलते हैं नहाने। गाइस देख सकते हैं ये हमारा नलका और ये पड़ी मेरी शैम्पू। तो ये रही शैम्पू, और शैम्पू उठाने के बाद मेरा साया चेक कर सकते हैं आप। ये रहा पानी वाला गाइस डब्बा। तो अब मैं नलके पे नहीं नहा रहा, आप सोच रहे होंगे भाई कहाँ नहाने जा रहा है। तो मैं जा रहा हूँ गाइस नहाने वाटर पे। वाटर का मतलब एक खाल है जहाँ से नहरी पानी वगैरह आता है वहाँ पे। तो अब यहाँ से रास्ता जाता है इधर। तो ये आपको कपड़े वगैरह नज़र आ रहे होंगे आज, क्योंकि पानी वगैरह आया खाल में, तो घर वालों ने कपड़े वगैरह धो लिया। ये रहा पानी, देख सकते हैं खाल के अंदर। तो मैं जाऊंगा आगे, ये खड़ा हुआ पानी है गाइस, इस तरफ से लेकर इधर इधर से आ रहा है, इस साइड से पानी आ रहा है। देख सकते हैं मैं ये शैम्पू और डब्बा लेकर नहाने पहुंचने वाला हूं। तो बाकी वीडियो नहाने के बाद ही बनाएंगे, क्योंकि अब मैं अकेला बंदा हूँ, नहाऊँगा कैसे, दिखाऊँगा कैसे आपको। देख सकते हैं बाकी ये पानी रहा, कमाल का पानी गाइस। सूरज मतलब के धूप वगैरह निकली हुई है। आज की जो डेट है वो डेट है आज मेरे हिसाब से, मैं आपको देखकर बताता हूँ, 6 डेट है मुझे, 6 तरीके गाइस। तो अभी नहा कर फिर बाकी वीडियो बाद में गाइस। देख सकते हैं अब मैंने नहा लिया है, बाकी वीडियो जाकर फिर कपड़े पहन कर बनाता हूँ। गाइस देख सकते हैं आपका भाई नहा धोकर ये कपड़े वर्दी वगैरह पहन कर रेडी हो चुका है, अब जा रहा हूँ मैच पर। तो लड़कों की कॉल पे कॉल आ रही है, तो मैंने सोचा कि ये गाइस देख सकते हैं ये गुरबत के मारे आपके भाई का ये कमरा है। कमरे की कंडीशन चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल लो कंडीशन है ये। ब्लॉग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ब्लॉग को भी लाइक करना है, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहें। तो बाकी ब्लॉग बाद में बनाते हैं, सोचा कि आपको पीछे का बैकग्राउंड भी दिखा दूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं एक क्रेन के जरिए मिट्टी उठाई जा रही है, यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली के जरिए तो वो जा रही है ट्रैक्टर, देख सकते हैं यहाँ पर। ये रहा रास्ता मेरा, और ये केन है गाइस, इसके अंदर अब पानी भरा पड़ा है सीव का, मतलब सीव का पानी का मतलब ये है कि नहरी पानी भरा पड़ा है। तो ये किस लिए होता है तो मैं आपको बताता हूँ ये किस काम आता है गाइस। ये नहरी पानी मेरी अम्मी ने इस केन भर के रखी हुई है, ये इसलिए रखी हुई है कि जो छाबी वगैरह बोलते हैं आम जबान के अंदर, जिसमें रोटी रख कर बंदा खाता है वो, तो उसका जो नाड़ वगैरह होता है, इस गंदम का नाड़ होता है, ये नाड़ है, इस गंदम का नाड़ होता है। जब ये मतलब के पक जाता है तो इसको तोड़ा जाता है, फिर उस नाड़ को रंग करने के लिए ना नहरी पानी की ज़रूरत होती है। आप सोच रहे होंगे कि नलके का पानी भी चल सकता है, नहर का क्यों? तो नहर के ये मुझे नहीं ज़्यादा पता, ये औरतों वगैरह को ज़्यादा पता होता है कि वो बताती हैं कि नहर के पानी से ये होता है कि रंग सही चढ़ता है नाड़ पर। तो ये हो गया वो हो गया, तो अगले ब्लॉग में आपका भाई आपको छाबे वगैरह भी दिखाएगा जो मेरी अम्मी बनाती है। बाकी गाइस कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, आप जो भी जहाँ भी काम को जो मर्ज़ी काम कर रहे हैं मेहनत से करें, लगन से करें, आपका भाई आपके साथ है। और मुझे भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने एक चैनल रेगुलर बना रखा है। ये मुझे पता है कि मुझे बोलना तक नहीं आता, अभी नया बंदा हूँ आपको पता है, बोल नहीं सकता प्रॉपर जैसे बड़े ब्लॉगर यूट्यूबर बोलते हैं, डक्की भाई वेला मुंडा ये वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से बोलते हैं, लेकिन आपका भाई इस तरह का नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि हो जाऊँगा इंशाल्लाह एक दिन। आपको पता है अभी 1-2 मिनट बोलने से, लगातार बोलने से बंदा ऐसा लगता है थक गया, जैसे बंदे को साँस चढ़ गया हो, लेकिन फिर भी सपोर्ट लाजमी करनी है आपने। इंशाल्लाह आपके लिए ज़बरदस्त ब्लॉग बनाता रहूँगा। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो आपका भाई मैच खेलने जा रहा हूँ गाइस, देख सकते हैं पीछे मैच। आप कौन सोच रहे होंगे कौन सा मैच खेलने जा रहा है भाई, तो यहाँ पे जो रास्ता ही नहीं है, रास्ता बिल्कुल जी मेरे घर का कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको अपना घर दिखा। तो गाइस ये मेरा घर है, 4x मैंने जूम किया हुआ है, ज़्यादा जूम से ये फट जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा घर है। तो जो भी दिया अल्लाह पाक ने उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। आपको ज़िंदगी में जो भी आप गम मतलब कि वो कहते हैं ना
शिकवे से शुक्र बेहतर है। तो आपने ज़िंदगी में हर हाल में शुक्र अदा करना है, चाहे जो मर्ज़ी हाल हो, शुक्र लाजमी अदा करना है। जैसे आप शुक्र अदा करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़्यादा खुश होते हैं। गाइस ये बैकग्राउंड व्यू चेक कर सकते हैं, ये मेरा साया हो गया। गाइस वही बता रहा था ना, शुक्र मतलब के शिकवे से बेहतर है। शिकवा ज़िंदगी में कभी ना कीजिएगा, अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। बाकी शुक्र हर हाल में करना है, चाहे आप भूखे हैं, मतलब आप रोटी खाई है नहीं खाई आपने, शुक्र हर हाल में लाजमी करना है। वो ऊपर वाला जो अल्लाह पाक है ना, उसने हमारी ज़िम्मेदारी ले रखी है। वो इंसान को कभी भूखा नहीं सोने देगा, चाहे परिंदा है, जो भी जो चीज़ है मर्ज़ी है। आप देख सकते हैं कोई इंसान, मतलब एक लड़ाई वगैरह तो अलग हो जाती है कि कोई इंसान घर से लड़ाई करके सो गया, वो भूखा सोना उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अल्लाह पाक रिस्क देता है, हर हाल में देता है, चाहे वो जिस हाल में हो, रिस्क लाजमी देता है इंसान को। तो बाकी लव यू हो गया आपका। उम्मीद है आपने वीडियो को भी लाइक कर लिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरे चैनल का नाम है हमज़ा व्लॉग वाला। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।